सो हेलो एंड वेलकम गाइस इन डिजिटल बजट डॉट इन। सो यार जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी व्हाट्सएप की टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स वाले, सो गाइस अगर बात करें उसके रिस्पांस की तो यार आप लोगों ने क्या ही रिस्पांस दिया था, काफी तगड़े रिस्पांस देखने को मिले थे वहां पर। लाइक्स भी काफी ज्यादा अच्छे थे, कमेंट्स भी ज्यादा थे। सो यार मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक सेकंड पार्ट बना दी जाए। सो यहां पर मैं लेकर आ चुका वैसे टॉप 5 व्हाट्सएप की न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसे अगर आप डेली लाइफ में यूज करते हैं तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। सो यार जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ट्रिक नंबर 1। सो यार देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग बहुत लंबे चौड़े ऐसे टेक्स्ट रख दिए होते हैं और या फिर कई इमेजेस भी रख दिए होते हैं अपने स्टेटस में, जिसे पढ़ने के लिए आपको अपनी उंगलियों से होल्ड करके रखना पड़ता है स्क्रीन को टैप करके, ताकि आप उसे आसानी से पढ़ पाए, क्योंकि यार यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉज का ऑप्शन नहीं है। सो यार मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी ट्रिक जिससे आप सिंपली यहाँ पर एक टैप करने के बाद ही आप सिंपली उसे स्क्रीन को होल्ड कर पाएंगे और आपको ऐसे पकड़े रखना भी नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली यहाँ पर आपको अपनी तीन उंगलियां ले लेनी है और यहाँ तीनों को एक साथ टच करना है अपनी स्क्रीन पर, और जैसे ही यहाँ पर आपका ये जो स्टेटस बार जो दिखाई दे रहा है टाइमलाइन, इसको जैसे ही डिसअपीयर हो जाती है आपको सिंपली अपना उंगली हटा लेना है। सो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर स्क्रीन होल्ड हो चुकी है, अब आप आसानी से कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। सो देखो यार इससे के पहले आप मुझे कमेंट में गालियां देने लगे, लिखने लगे कि ये ट्रिक वर्क नहीं कर रही, मैं बता दूं इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि यहाँ पर तीनों उंगली से टच करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं कर पा रहा था शुरुआत में, लेकिन बाद में धीरे धीरे ट्राई करके मुझसे ये हो गया और आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 2। सो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी का स्टेटस देखते हैं तो उसके मोबाइल पर यहाँ पर शो होने लगता है कि किसने किसने उसके स्टेटस को देखा है स्टेटस बार के थ्रू। सो जाहिर सी बात है अगर आप उसकी स्टेटस देखेंगे तो उसको शो हो जाएगा कि आपने उसके स्टेटस को देखा है। सो गाइस होता है कभी कभी कि अगर किसी से आपकी लड़ाई हो गई हो या फिर आपकी कोई क्रश वगैरह हो, सो अगर आप उसके स्टेटस को देखना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उसे पता भी ना चले, सो इस स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको अपने WhatsApp की सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ एक रीड रिसीप्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो आपको सिंपली इसे डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद गाइज अगर आप कोई भी स्टेटस देखते हैं, इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन भी आते हैं और उसके बाद ऑफलाइन हो जाते हैं, तो आपका लास्ट सीन भी शो नहीं करेगा और यहाँ पर आपका स्टेटस वाले बार में आपका नाम भी शो नहीं होगा। ट्रिक नंबर 3। सो हो सकता है आपकी किसी से नई नई दोस्ती हुई है और आप दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज करे हैं। सो अगर आपने उसका नंबर तो सेव कर लिया, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उसने आपके नंबर को सेव करा है या नहीं, सो इसके लिए आपको कुछ इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो इसके लिए यहाँ पर आपको अपने व्हाट्सएप में टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर 3 डॉट्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको सिंपली टैप करना है और टैप करने के बाद आपको यहाँ पर एक न्यू ब्रॉडकास्ट क्रिएट करने का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको सिंपली एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ पर 2 लोगों को ऐड कर लेना है। सबसे पहले तो वही जिसके बारे में आप चेक करना चाहते हैं, सो आप उसे ऐड कर लीजिए, और सेकंड नंबर में आप किसी भी रैंडम पीपल को यहाँ पर आपके अपने दोस्तों को भी ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली एक मैसेज सेंड कर देना है। और मैसेज के लिए गाइस आप यहाँ पर हाय हेलो मत लिखिए, ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। आप यहाँ पर कोई जोक या मीम शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पर सेंड करने के बाद आपको उस मैसेज को होल्ड करके रखना है, और होल्ड करके रखने के बाद यहाँ पर आपको एक टॉप में आई बटन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली टैप करना है और यहाँ चेक करना है कि यहाँ डिलीवर्ड टू में उसका नेम शो हो रहा है या नहीं। अगर देखो यहाँ पर आपके दोस्त का ही नेम शो हो रहा है और उसका नेम शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह है गाइस उसने आपके नंबर को सेव नहीं करा है। आप यहाँ पर थोड़ी देर वेट करके भी देख सकते हैं, अगर उसका नेम शो हो जाए, क्या पता वो ऑनलाइन ना हो, और 1-2 घंटे वेट करने के बाद भी अगर शो नहीं होता है, तो इसका मतलब यही है गाइस उसने आपके नंबर को सेव नहीं किया, और अगर उसका नेम यहाँ पर शो होने लगता है, तो इसका मतलब गाइस उसने आपके नंबर को सेव कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी दोस्ती एक कदम और बढ़ चुकी है। ट्रिक नंबर 4। इसको यूज करने से गाइस आपकी स्टोरेज में कुछ स्पेस फ्री हो सकती है। आपको यहाँ पर सिंपली जैसा कि अगर पता होगा कि यहाँ पर WhatsApp अपना कोई भी डेटा होता है उसे 2 बजे यहाँ बैकअप ले लेता है, जब आप सोते होते हैं तब, और यहाँ पर बैकअप लेने के बाद वो जितनी भी डेटा है वो वहाँ पर स्टोर हो जाती है आपके फ़ोन इंटरनल स्टोरेज में। सो गाइस आप उसे रिमूव करके यहाँ पर सिंपली अपने फ़ोन की स्टोरेज बढ़ा सकते हैं,
वैसे तो यहाँ पर व्हाट्सएप टाइम टू टाइम यहाँ पर इसे अपने आप रैंडमली डिलीट कर देता है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए टाइम लगता है। अगर आप इसे इंस्टेंट रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने फाइल मैनेजर पर जाना है, और यहाँ फाइल मैनेजर में जाने के बाद व्हाट्सएप की फोल्डर में जाना है, और व्हाट्सएप के फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ डेटाबेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डेटाबेस का फोल्डर। सो यहाँ पर आपको ये जितने भी फाइल्स देखने को मिलेंगे आप इसे डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइस जितने भी फाइल है उसकी साइज आपके चैट वगैरह मीडिया पर डिपेंड करती है। सो अगर आप कम चैट करते हैं तो यहाँ पर आपको कम साइज सेव होने को देखने को मिलेगी, और अगर ज्यादा करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा स्पेस कैप्चर होने वाला है। सो आप इसे सिंपली रिमूव कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 5, ये ट्रिक ज्यादा उतनी बड़ी नहीं है, सो छोटी मोटी है। सो अगर जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को यहाँ पर मैसेजेस को कॉपी करना होता है, सो आप उसे सिंपली यहाँ पर होल्ड कर लेते हैं, और होल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर टॉप में कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो आप यहां से सिंपली इसे कॉपी कर लेते हैं। लेकिन गाइस यहां पर बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, अगर वो इमेज के फॉर्म में होती है और इमेज के साथ अगर कोई टेक्स्ट या फिर कहें कैप्शन सेंड होती है, सो हम उसे कॉपी नहीं कर सकते प्रीवियस ट्रिक की तरह। सो अगर हम इसे होल्ड करें तो यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर आपको इसे कॉपी करना है सो आपको सिंपली यहां पर जो इमेज है उसे ओपन कर लेना है, और यहाँ टैप करके ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपको कैप्शन दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर सिंपली टैप करके होल्ड करना है, और होल्ड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर एक मैसेज शो होगी जिसमें लिखा है जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो चुकी है। सो गाइस आई होप कि आपको ये ट्रिक्स काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ पर लाइक कर जाए, अगर दिल में कोई बातें हो तो हमें कॉमेंट करके बताए। हियर इज अ बोनस टिप, लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब द digitalbudget.in चैनल to get more such videos.